हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेन शॉक्स मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियसर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस हर वीडियो में हम पांच क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो में हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन ये लास्ट वीडियो होगा ठीक है इनफाइनाइट सीरीज का तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जो कि हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस टी स्क्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज द फॉर्म ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट

ठीक है अगर मैं एक्सपेंशन करूं ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स की ठीक है ई रेस्ट टू पावर एक्स की क्या होती है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल ठीक है आगे ज्यादा की जरूरत नहीं है तो बेसिकली एक्स की जगह माइनस टी स्क्वायर बाय टू है तो वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर यानी कि टी रेस टू पावर फोर और टू का स्क्वायर फोर और नीचे टू भी है एट ठीक है तो क्यूब आएगा टी रेज टू पावर सिक्स और टू का क्यूब होता है एट एट इंटू सिक्स फोर्टी एट ठीक है इस तरीके से डी टी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा टी वन का आएगा टी टी स्क्वायर का आएगा टी क्यूब नीचे तीन थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिक्स प्लस आगे वैसे जरूरत नहीं है करके दिखा रहा हूँ आठ पंच फोर्टी माइनस टी रेस टू पावर सेवन बाय फिफ्टी सिक्स सेवन इंटू फोर थ्री थर्टी सिक्स ठीक है लिमिट पुट करेंगे हम जीरो टू एक्स बस टी की जगह एक्स आ जाएगा लोअर लिमिट तो जीरो ही है So, अब इसमें एक्स की टर्म आई ही नहीं ठीक है तो जीरो आ गया ठीक है तो इतना करने की जरूरत नहीं है पेपर में हमें जब पता चल जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इवन पावर सारी में चेंज हो जाएंगे जीरो की वन पावर टू की जगह थ्री आ गई और लिमिट भी जो है ओनली एक्स है ठीक है ना एक्स अंडर रूट है ठीक है तो उस हिसाब से एक्स स्क् की टर्म आएगी भी नहीं और अगर करना भी है तो हम सिर्फ यहां तक दो टर्म लिखे हैं फर्स्ट ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कि ये, आ, किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन जो होती है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस

डबल डिफरेंशिएशन करना है अगर तो e रेस टू पावर माइनस x स्क्वायर बाय टू फिर पावर का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा माइनस टू uh, आ गया आ गया माइनस एक्स ठीक है इसकी वैल्यू अगर हम जीरो पे फाइंड करूंगा मैं तो आ जाएगा जीरो ठीक है क्लियर है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज टू पॉइंट वन टू फाइव प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय टेलर सीरीज मेथड गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इजल टू एक्स ठीक वन वाई जीरो डायरेक्टली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो उससे तो हो जाना चाहिए dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन है ना तो चलो कोशिश करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की टू माइनस वन इसका हमें आ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा वो होता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स ठीक है तो बेसिकली आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री ठीक है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें

एक्स क्यू डिवाइड बाई थ्री वाई इज इकल टू माइनस डी एक्स दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां बचेगा तो एक्स जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे वन आ गया वाई तो वन है ही एक्स जीरो है प्लस सी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन ठीक है

जीरो बाय थ्री ठीक है ये आ गया अब अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो कर सकते हो कि जो ई e, e की पावर है नेगेटिव में बहुत छोटी पावर है ना तो ये कितना हो जाएगा मतलब वन के आसपास ही होगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करोगे जैसे ई e की पावर x का ग्राफ किस तरीके से बनता है अगर कुछ और बड़ी पावर आ रही थी फिर मुश्किल था तरीके से बनता है ठीक है ई की पावर जीरो जो है वो वन होती है ठीक है अब ये ई की पावर क्या है पॉइंट जीरो जीरो वन डिवाइड बाई थ्री तो यानी यहां पे कुछ वैल्यू होगी ना यहाँ पे तो वन के आसपास ही होगी तो पॉइंट नाइन डिवाइड बाई वन से थोड़ी सी छोटी ठीक है तो उस हिसाब से सी आ जाएगा ठीक है बट ये अप्रोक्सीमेट मेथड है अगर हम टेलर सीरीज से करना चाहें उसको तो वो कैसे करेंगे हमें टेलर से एक्सपेंशन तो पता है वाई एक फंक्शन है वाई इजिकल टू एफ एक्स तो जो वाई एक्स होगा वो किसके को लाएगा अराउंड जीरो इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमें वाई जीरो पे वैल्यू पता है सॉरी वाई की वैल्यू एक्स इजिकल टू जीरो पता है तो सबसे पहले तो वाई ज़ीरो प्लस एक्स वाई डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ज़ीरो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश ज़ीरो अब आगे की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए बहुत पास पास आंसर हो फिर हमें काफी आगे का करना पड़ेगा क्योंकि क्या है एक्स की वैल्यू पॉइंट वन है तो जैसे पॉइंट वन की पावर थ्री होगी तो ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही होगी ठीक है और ये वैल्यू थोड़ी दूर दूर ही है जीरो ठीक है तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए पहले वाई जीरो, तो हमें वापस है वाई वो हम यहां से निकालेंगे वाई डबल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर आगे चलता रहेगा तो सबसे पहले जो मुझे करना है तो वाई जीरो की वैल्यू तो वन है ही डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश जो है मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन इसकी वैल्यू जीरो पे फाइंड करूँ यानी एक्स इजिकल टू जीरो तो उस पॉइंट पे वाई इजिकल टू वन है ठीक है यानी इसकी वैल्यू एक्स इजिकल टू जीरो और वाई वन कर दूंगा एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन करूंगा तो माइनस वन आ जाएगा अगर इसको मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वाई डबल डैश फिर एक्स स्क्वायर को बाहर रखा वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया फिर वाई को बाहर रखा एक्स स्क्वायर का किया तो टू एक्स वाई आ गया यहां पे मैं वैल्यू किसके रखूंगा एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन और वाई डैश की वैल्यू कितनी है माइनस वन तो बेसिकली जीरो ही आ जाएगा और मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास वन है इसकी माइनस वन है इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन की भी निकाल लेते हैं तो वाई ट्रिपल डैश ठीक है ये आगे टर्म बढ़ती रहेंगी, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा वाई का डबल बार दो बार हो गया फिर वाई डैश को बाहर रखा एक्स का किया तो टू एक्स आ गया फिर टू एक्स वाई का किया वाई डैश फिर टू वाई को बाहर रखा तो एक्स का किया तो वन ही आ गया ये आ गया अब इसकी वैल्यू एक्स इजिकल टू जीरो पे एक्स इजिकल टू जीरो पे तो सारी एक्स वाली टर्म तो हट ही जाएंगी ये वाली ये वाली ये टू वाई वाई की वैल्यू कितनी है वन तो इसकी वैल्यू आ गई टू ठीक है अगर फोर्थ डेरिवेटिव की निकालनी है तो निकाल सकते हैं तो एक्स स्क्वाई ट्रिपल डिफरेंशिएशन प्लस टू एक्स वाई डबल डैश ठीक है प्लस टू एक्स वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस टू एक्स वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस टू वाई डैश इज इक्वल टू अब देखो x वाली टर्म जीरो 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 y डैश क्या है माइनस वन तो ये माइनस टू आ गया फिर x वाली टर्म जीरो अच्छा सिक्स वाई डैश आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस सिक्स ठीक है तो इसकी वैल्यू आ माइनस सिक्स इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो अगर मैं वाई एक्स को लिखूं वैल्यू क्या आएगी वन माइनस एक्स ये तो जीरो ही है एक्स स्क्वायर का काफिशेंट और यह आ जाएगा प्लस टू बाय थ्री फैक्टोरियल है सिक्स बेसिकली वन बाय थ्री आ गया एक्स क्यूब बाय थ्री और यह माइनस सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे hmm. माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा तो हाँ एक्स क्यूब बाय फोर ठीक है इस तरीके से ये बन रही है और बस हमें अब क्या चाहिए एक्स की वैल्यू पॉइंट वन पुट कर देंगे बेसिकली हमारा बना क्या था e की पावर क्यूब

आंसर uh, सारे पास पास हों की पॉइंट नाइन जीरो जीरो थ्री थ्री है पॉइंट नाइन जीरो जीरो थ्री जीरो या कुछ हो है, तो हमें दो टर्म और आगे करनी पड़ेंगी ठीक है ताकि हम आगे तक एक्यूरेट बना सके ठीक है एक्स की पावर हो सकता है कि फाइव या सिक्स तक करना पड़े ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स इज ठीक है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स की पावर फोर तक का दिया हुआ है तो हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करना पड़ सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं कि एफ एक्स तो मुझे पता ही है ई रेस टू पावर साइन एक्स है और इसकी वैल्यू जीरो पे आ जाएगी ई e की साइन जीरो जीरो ई की पावर जीरो वन एफ डैश एक्स क्या आएगा ई e की पावर साइन एक्स ही आ जाएगा साइन एक्स का डिफिनियेशन कॉस एक्स तो कॉस एक्स ई रेस टू पावर साइन एक्स इसकी वैल्यू जीरो पे कॉस जीरो वन ई रेस टू पावर जीरो वन वन आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स तो ई की पावर साइन एक्स का करूंगा तो एक और कॉस एक्स आगे आ गया जाएगा तो ये बन गया और कॉस एक्स का करूंगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा ठीक है इसकी वैल्यू भी साइन एक्स वाली ये टर्म तो वन जीरो ही हो जाएगी वो वन आ गया फिर तो एफ ट्रिपल डैश एक्स तो फिर ट्रिपल डैश वाली तो अच्छा निकालना तो पड़ेगा तो फिर पहली टर्म में ई की पावर साइन एक्स का करूंगा तो कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा ई e की पावर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आएगा देखो टू कोस एक्स फिर एक्स करूंगा तो माइनस साइन एक्स ठीक है माइनस साइन में चेंज कर देता हूं तो माइनस करूंगा तो ई की पावर साइन एक्स का जाएगा तो साइन एक्स कॉस e एक्स ई की पावर साइन एक्स माइनस साइनस करूंगा तो कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स ठीक है इसका क्या आएगा अगर मैं जीरो पुट करूंगा कोर्स वाली टर्म का वन आ जाएगा जहां पे साइन है वो तो जीरो ही हो जाएंगी ठीक है फर्स्ट टर्म वन आ जाएगी सेकंड टर्म जीरो थर्ड टर्म जीरो और फोर्थ टर्म वन तो ये जीरो आ गया ठीक है अब फोर्थ डिफिनशिएशन और मुश्किल होगा ठीक है टर्म हमारी डबल होती जा रही है इसमें हम कंबाइन कर सकते हैं कोई टर्म हाँ ये कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म कंबाइन कर सकते हैं तो उसको अलग से लिख देता तो. हूँ ठीक है अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें इसको भी अगर कंबाइन कर दे साइन टू एक्स बना दे ठीक है नहीं तो डिफ्रेंशिएशन मुश्किल होगा तो इसका फोर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कोस की क्यूब है तो थ्री कोस एक्स तो साइन एक्स भी साथ में आ जाएगा e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर साइन एक्स करूंगा तो फिर कोस की पावर फोर एक्स ई की पावर साइन एक्स माइनस थ्री बाय टू साइन का करूँगा तो कॉस आ जाएगा और टू भी आएगा तो थ्री कॉस टू एक्स ई की पावर साइन एक्स ठीक है माइनस ई e की पावर साइन एक्स के लिए कॉस एक्स आ जाए आगे आ गया जाएगा माइनस कॉस एक्स का करूँगा तो माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो गया ई e की पावर साइन एक्स

कुछ गलती की है सबसे पहले इसका अगर करेंगे हम थ्री अच्छा सॉरी इसमें साइन एक्स था ना तो ये खत्म हो गया ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री यहाँ पे साइन था साइन वाली टर्म सारी ज़ीरो होगी ठीक है तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स आया एफ डैश एक्स आ गया एफ डबल डैश एक्स आ गया और ट्रिपल डैश एक्स जीरो है तो एक्स क्यूब नहीं है तो फोर्थ डिफ्रेंशिएशन थ्री है तो क्या होता हमारा टेलर इसका एक्सपेंशन आ जाएगा ई e की पावर साइन एक्स का सबसे पहले एफ ऑफ जीरो हमारा थर्ड टर्म भी क्या है एक्स फैक्टोरियल का इंटू एफ डबल डैश एक्स एट एक्सिकल टू जीरो प्लस एक्स क्यूब की टर्म तो है ही नहीं एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल उसकी वैल्यू जीरो है प्लस एक्स की पावर बाय फोर फैक्टोरियल उसके साथ है माइनस थ्री तो आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू थ्री फोर फैक्टोरियल इज ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर जाएगा एट पे तो माइनस साइन एक्स फोर बाय एट ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा सी ठीक है इसको अगर हम किसी और दूसरे तरीके से करना चाहेंगे कि पहले हम ई e की पावर एक्स को एक्सपैंड कर लें वो भी ट्राई कर सकते हो ठीक है वीएस में डिफिन काफी लेंथी हो रहा है इसको बस थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कर सकते हो कि ई e की पावर साइन एक्स को कॉमन निकालते रहो कॉमन निकालो मुझे लगता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो भी ट्राई कर लेना तो इसमें क्या कर सकते हैं देखो कि पहले मैं ई e की पावर साइन एक्स को कर दूं। e की पावर एक्स का होता है वन प्लस एक्स तो एक्सन एक्स ठीक है अब हमें साइन एक्स का पता है साइन एक्स का क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल मुझे जो पावर चाहिए वो एक्स की पावर फोर तक चाहिए तो मैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा यहां पे क्यूब तो ये वाली टर्म्स नहीं लिखता हूं मैं तो वन प्लस साइन एक्स का क्या आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब थ्री फैक्टोरियल और आगे कुछ टर्म्स रहेंगे हमें मतलब नहीं उससे ठीक है हमें सिर्फ एक्स की पावर फोर तक का मतलब है फिर वन बाय टू तो एक्स साइन एक्स का स्क्वायर है क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई देखो एक्स को एक्स के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स को एक्स क्यूब के साथ करूंगा एक्स की पावर फोर आएगा इसको भी फोर आएगा ये सिक्स एक्स क्यूब एक्स क्यूब सिक्स आएगा वो हमें चाहिए नहीं वो हम इग्नोर कर देंगे प्लस वन बाई थ्री फैक्टल तो वन बाई सिक्स आ गया वो तो यहां पे आएगा ये तीन बार आ जाएगा ठीक है अब फोर्थ भी आएगा क्योंकि क्योंकि वहां पे एक्स चार बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर फोर आएगा तो यहां पे आएगा फोर फैक्टोरियल बाई ट्वेंटी फोर ठीक है आगे फाइव का को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पे एक्स फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां पे एक्स की पावर फाइव आ जाएगा ठीक है तो यहां पे हमें बस अपने काम की टर्म्स निकालनी है सबसे पहले देखो मेरे पास वन आया और ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल तो है ही प्लस जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ठीक है मेरे पास चार टर्म आएगी बट तीन ही टर्म काम की होंगी एक तो सबसे पहले वन बाय टू एक्स को x से ज्यादा करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल के साथ किया थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स ठीक है तो x की पावर फोर बाय सिक्स फिर इसको इसके साथ किया तो ये आ गया फिर इसको इसके साथ करेंगे ना x की पावर थ्री डिवाइड बाय सिक्स इंटू एक्स ठीक है आगे की टर्म लिखने की मुझे जरूरत नहीं है कि इन दोनों करूंगा तो एक्स की पावर सिक्स आ जाएगी प्लस वन बाय सिक्स तो यहां पर मुझे एक तो एक्स क्यूब मिल जाएगा ठीक है क्यूब ठीक है बट उसके अलावा कोई भी टर्म काम की नहीं है क्योंकि एक्स को एक्स के करूंगा एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ करूंगा एक्स की पावर फाइव ठीक है बस एक ही टर्म काम की है प्लस यहाँ पे भी कौन सी टर्म काम की है एक्स की पावर फोर ठीक है इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है बस यहाँ तक ही करना है फिर वन प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू ये माइनस एक्स की पावर फोर बाय ट्वेल्व माइनस एक्स की पावर फोर बाय ट्वेल्व प्लस एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर बाय ट्वेल्व ठीक है तो सबसे पहले देखो क्या कट गया एक्स की पावर थ्री बाय सिक्स एक्स की पावर थ्री बाय सिक्स एक्स की पावर फोर बाय ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं ट्वेंटी फोर 24 तो वन प्लस एक्स प्लस एक्सरू तो एक्स की पावर फोर फोर बायर फोर बाय ट्वेंटी फोर तो इसको कर लो देख लो रेफर ट्वेंटी फोर ठीक है तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा यहाँ पर माइनस तो एक्स की पावर फोर बाय एट ठीक है तो इससे भी आ गया तो बस इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां तक लेना है और कौन कौन से की टर्म हमारे काम के हैं बस ठीक है तो दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे उससे कर सकते हो तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्स एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय तीन छः प्लस एक्स की पावर फोर बाय चार तीन बारह माइनस एक्स की पावर फाइव बाय चार पांच बीस ठीक है प्लस सी आगे चलता रहेगा प्लस सी अब ये किसी के भी इक्वल नहीं बन रहा है ठीक है किसी की भी एक्सपेंशन ये नहीं है कोई इसमें पैटर्न नहीं है तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है मार्क्स टू ऑल है क्योंकि जो आंसर दिया है इसका इंटीग्रेशन नहीं दिया इसका डिफरेंशिएशन दिया है तो अगर सपोज करो कि ये एफ है है ना अंदर तो ये एफ का इंटीग्रेशन है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करूं देखो एक्स का आ जाएगा वन एक्स स्क्वायर का टू एक्स बाय टू तो एक्स बचा एक्स क्यूब का थ्री एक्स तो थ्री कैंसिल हो गया एक्स हो गया माइनस की पावर थ्री हो गया, आगे जाके एक्स की पावर फोर अप टू सो अब ये एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए है और आर जो है वो माइनस एक्स है ठीक है तो इसका सम आ जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर तो वन अपॉन एक्स को एज्यूम करना पड़ेगा लेस देन वन मोड तो वन प्लस एक्स इस हिसाब से ऑप्शन ए बनता है इसका ठीक है तो ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है तो इसलिए मार्क्स टू ऑल ठीक है तो कोई भी मेन ये है कि मार्क्स तो चलो मिल ही जाएंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो बहुत बेसिक कंसेप्ट पे हो कि हमें पता है कि इसका डिफिनेशन इंटीग्रेशन हमें आता है इतना तो आता है बेसिक ठीक है बहुत होशियार नहीं है तब भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है कि पेपर में भी सवाल गलत हो सकता है क्योंकि देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट गलत है ठीक है

शिफ्ट करके बनाया हुआ है ठीक है तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसके फोर सीरीज एक्सपेंशन में क्या ओनली साइन टर्म आएंगे कोस्ट को साइन टर्म आएंगे बोथ साइन एंड को साइन टर्म आएंगे या फिर साइन टर्म्स और नॉन जीरो कांस्टेंट ठीक है तो सबसे पहले देखो हमें पता है कि ये इवन फंक्शन है सॉरी ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे इसलिए हमेशा साइन की टर्म आएंगी क्योंकि ऑड है ठीक है ये चीज पता है आपको साइन टर्म कहाँ आती है जहां पे फंक्शन हो ठीक है तो साइन और साइन टम कहां पर आएंगी ना ऑड हो ना इवर ठीक है? है और एक साइनटम और नॉन जीरो नॉन जीरो कहां पर आता है यहां पर जो इंटीग्रेशन है ना एफेक्स का एक पीरियड में यानी जैसे पीरियड यहां पर माइनस वन से बना है यह नॉन जीरो हो ठीक है हम यहां पे देखेंगे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्यूब का तो एरिया के के तो जो आएगा ये एरिया से सेम है ये एरिया सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो इसलिए इसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं आएगी ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा ए तो पांच क्वेश्चन हो गए बट लास्ट है तो इसमें दो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा एक्स, एक्स। तो लगाओगे ए बी। है। अब इसमें अगर नॉर्मल मेथड्स जाओगे डिफरेंशिएशन करना होगा थोड़ा सा टफ पड़ेगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन या डिफेंशिएशन की अगर टेलर सीरीज का डायरेक्ट हमें पता हो तो हम सीरीज निकाल के सीरीज को ही दोबारा फिर इंटीग्रेशन डिफेंशिएट कर देंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स सपोज कर लूँ मैं कि एल एन एक्स है इसका मुझे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बट अगर मैं इसका डिफेंशिएशन कर दूँ तो आ जाएगा वन बाई एक्स ठीक है और वन बाय एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूं अगर मैं सोच इसको करूँ ये इनफाइनट जीपी का सम है तो इसको करूंगा x x x x की पावर x की पावर की so ठीक है जो चीज हमने पे की है ठीक है यहां हमने इन्फाइनेट जीपी का सम निकाला अब सम से निकालाइनेट जीपी ठीक है अब मुझे पता है कि अगर दोबारा मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं मेरा एफेक्ट क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन डीएक्स ठीक है कर दो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव ठीक है माइनस एक्स की पावर सिक्स बाय सिक्स ठीक है ये आ जाएगा सिमिलरली इसका भी निकाल सकता हूं मैं तो अगर मैं इसको जी एक्स ले लूं रिज्यूम करूं जी डैश एक्स निकाल देता हूँ सीधा मैं जी एक्स में लिया एल एन वन माइनस एक्स ठीक है जी डैश एक्स इसके आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स फिर वन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यहां पे गलती होगी कि हमने बस ये लिख दिया खत्म गलत क्योंकि बाद में हमें वन माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि आ जाएगा माइनस वन ठीक है तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे माइनस बाहर रखता हूं मैं वन प्लस एक्स प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सोन तो यहां से मैं दोबारा जी एक्स से निकालू इसका इंटीग्रेशन कर दू तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय 3 plus x की पावर 4 by 4 अप टू 100 ठीक है तो यहां से पता चल गया हमें कि ln 1 plus x का एक्सपेंशन ये है ln 1 minus x, x का एक्सपेंशन ये है ठीक है इसको नॉर्मल तरीके से करने जाओगे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट वो भी ट्राई कर लेना अगर करना हो तो अब मुझे क्या चाहिए एक्सपेंशन ऑफ ln 1 plus x minus ln 1 minus x तो बस दोनों की एक्सपेंशन का हम सबट्रैक्शन कर देंगे तो इसका है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स की पावर थ्री बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव इतना काफी है फिर ये एक माइनस है इसका एक्सपेंशन है ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव अब इसमें देखो ये कैंसल हो जाएगा फोर कैंसिल हो जाएगा तो ओड इवन पावर कैंसिल हो गई बची ऑड पावर वो भी टू टाइम्स है तो टू मैं बाहर लिख लेता हूँ एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव अपू सॉ तो इसका आंसर आ जाएगा सी ठीक है और इसको अगर दूसरे नॉर्मल तरीके से भी एक्सपेंशन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए ठीक है कुछ नहीं आएगा तो इससे मैच करना बस ठीक है नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हो आप चलो एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का ई एस सी टू थाउजेंड का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है जो हमने किया सेम कंस है कि हमें टेलर सीरीज फाइंड करनी है सीर की और फिर वैल्यू फाइंड करनी है वाई की पॉइंट पे फोर डेसिमल प्लेसेस तक इसमें भी देखो देखा जाए तो आंसर बहुत दूर, दूर दूर तक है और वाई जीरो की वैल्यू है वन तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले वाई जीरो तो वन है ही वाई डैश क्या है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू भी जीरो पे तो जीरो तो एक्स तो जीरो या वाई की वैल्यू वन है तो माइनस वन वाई डबल डैश निकालूंगा तो वन आ जाएगा टू वाई वाई डैश ठीक है तो वन माइनस टू वाई कितना है वन वाई डैश माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस तो वैल्यू आ जाएगी थ्री तो वाई ट्रिपल डैश तो ये आ जाएगा वन का जीरो आ जाएगा माइनस टू वाई वाई डैश का डबल डैश आ जाएगा माइनस y का करूंगा y डैश आ जाएगा तो टू y डैश का स्क्वायर ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस टू वाई की वैल्यू है वन y डैश की है थ्री माइनस टू वाई डैश की है माइनस वन का स्क्वायर तो तीन दोनों छ माइनस छ माइनस दो माइनस आठ ठीक है फिर वैसे जरूरत नहीं है कि फोर डिफ्रेंशिएशन की पर अगर करना चाहो तो कर सकते हो तो सबसे पहले माइनस टू वाई वाई ट्रिपल डैश माइनस टू वाई डैश वाई डबल डैश ठीक है तो इसका minus, आ जाएगा माइनस दो टू आ गया जाएगा पावर तो वाई डैश वाई डैश का दोबारा किया तो वाई डबल डैश ठीक है तो इसकी वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू वन वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू आई है माइनस एट माइनस टू वाई डैश की वैल्यू है माइनस वन वाई डबल डैश की वैल्यू है थ्री माइनस फोर वाई डैश की वैल्यू है माइनस वन वाई डबल डैश की वैल्यू है थ्री इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व तो अट्ठाईस थर्टी फोर आनी चाहिए ठीक है अब वाई जो आएगा वो वाई जीरो ठीक है वाई एक्स अगर देखा जाए वाई जीरो प्लस एक्स ई डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल जीरो बस वैल्यू पुट कर दो वाई जीरो की वैल्यू है वन फिर वाई डबल डैश जीरो माइनस वन तो माइनस एक्स और उसकी वाई डबल डैश की है थ्री तो थ्री बाई टू एक्स और वाई ट्रिपल डैश किया एट तो माइनस एट बाय सिक्स एक्स की पावर थ्री और इसके थर्टी फोर तो माइनस प्लस थर्टी फोर बाय फोर फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर यह है वाई एक्स की वैल्यू और मुझे चाहिए इसकी वैल्यू वाई पॉइंट वन पे तो वन माइनस पॉइंट वन प्लस थ्री बाय टू इंटू पॉइंट ज़ीरो वन माइनस ये फोर बाय थ्री इंटू पॉइंट थर्टी फोर बाय ट्वेंटी फोर तो इसका जो आंसर निकालोगे मुझे लगता है आ जाएगा बेसिकलीरोक्सीमेट ए तो जब तक ऑप्शन बहुत दूर दूर है तब तक Uh, हो सकता है इजीली सवाल ये बट जब ऑप्शन बहुत पास आ जाएंगे तब थोड़ा सा मुश्किल होगा ई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि फिर इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करना ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के और इनफाइनेइट सीरीज के भी तो इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन के प्रीवियस क्वेश्चन और वीडियोज कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच